ना सर का कलम में दम है, ना सर का कानून में दम है। नहीं तो आज का लड़का एक लड़की को क्लियर नहीं किया, दूसर औरत लिया के घर में रखा है, किलोमीटर पर उकर घर है उसका, जामल 6 महीना के लड़का हो गया। हमारा पास पैसा नहीं है, मेरा पास पावर नहीं है, कोई संजोग नहीं है, तब ना हम बूढ़ी औरत घूम रहे हैं। आज मेरा पास उतना रहता तो हम भी नहीं घूमते। हमको बस यही है कि मेरी बेटी का न्याय दिया दे सर। हमको जाएगा बाबू, गोरखपुर से मलाहिन लाया है, वो मलाहिन छोड़ल कहीं के औरत है, उसके साथ भी 12 साल की एगो बेटी है, और इसका जामल 6 महीना के एगो लड़का हुआ है। हाँ। तो वो रखेगा कैसे? अच्छा। वो तो तकिया से मुंह दाब के मुंह आ दे लेता, बगैर भाग भरोसे मेरी बेटी बच गई तो हम लोग उठा के ले गए इलाज उलाज कराए। पालगंज से विजयपुर थाना से दौड़ रहे, मेरा कोई हेल्प नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। कटिया थाना में जाते हैं तो वहाँ का बड़ा बाबू है, प्रभारी है, हमसे घूस मांगते हैं कि घूस दो तो तुम्हारा हम काम करेंगे। हम कहाँ से घूस देंगे, मेरे पास के है कमाने वाला कि हम घूस देंगे। वहाँ भी जाते हैं तो यही बात होता है कि पैसा। चार आप देख रहे हैं गोपालगंज फोकस, और अभी हम गोपालगंज के कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और ये SP साहब के पास फरियाद लेके आई हैं। इनकी समस्या क्या है जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और वीडियो को मतलब बता दूँ कि इनकी जो भी समस्या है आप लोग सुनिएगा, काफ़ी इनकी गंभीर समस्या। क्या हुआ है? शादी की है बेटी को। आप अपनी बेटी की शादी की है? हाँ, बेटी की शादी की है। हाँ। जो दहेज मांगा, दहेज दिए 4 लाख, मांगा 4 लाख दे दिए। हाँ। उसके बाद वो कुछ दिन इधर उधर भौजाई उजाई के चक्कर में था। हाँ। उसके बाद एगो लड़का हुआ। हाँ। लड़का मेरे पास छोड़ दिया। हाँ। फिर बेटी को बुला के ले आया। हाँ। उस फिर बेटी मेरी गर्भवती रह गई। हाँ। 4 महीने के पेट में था। हाँ। उसको क्या किया, सास ससुर दयादीन मिल के, ननद सब मिल के घर में तकिया से मुंह दाब के उसको बच्चा को पेटे में मुंह आ दिया था लोग। मतलब आपकी बेटी की? बेटी की पेट में। हाँ। तो हम यहाँ नहीं रहते, हम झारखंड में बेटा के पास थे। हाँ। बेटी थोड़ा सा फोन की, वहाँ से हम लोग आए। हाँ। कैसे हम बेटी के उठा के ले गए, बेटी के ले जाके इलाज उलाज करा के, 2004 का बात है। हाँ। 5 तक ले उसको हम इंतजार किए कि आके मेरी बेटी को ले जाएगा, नहीं ले गया। फिर बेटी के लेके उसके दरवाजा पर आए, हम लोग का संगे मारपीट करने लगा। कटिया थाना में गए, कटिया थाना के पुलिस बोला कि आप जहाँ रहते हैं तहाँ से केस करिए। हम जाके झारखंड से केस किए। आज 12 साल का दिन हो गया, SP सर का दरवाजा ठक ठक आते, बूढ़ी औरत आज तक ले मेरा सुनवाई नहीं हुआ। बेटी प्रभात सर से मिले हैं एक बार? हाँ मिले हैं। वो तो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। 7 गो पेपर दिए हैं सर को, 7 आवेदन दिए हैं, ये 8वां आज लेके आए हैं, बाकी मेरा कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आप जी की झूठ मत बोलिए। SP साहब जब से आए हैं ना गोपालगंज हाँ, में हाँ। तब से लोगों को न्याय मिल रहा है? नहीं, हम 7 गो पेपर दिए हैं, 7ों पेपर का फोटो कॉपी रखे है बाबू। हाँ दिए हैं सर को। ओकरी बाद में हम लड़का को, अब नाती को अपनी बेटी के घर में छोड़े हैं। हम बूढ़ी औरत कहाँ से खिलाएंगे? बेटी घरे 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 पोछा करती है, झाड़ू पोछा करके। आपकी बेटी? मेरी बेटी झाड़ू पोछा करके बेटी खाती है, हम खाते हैं। आ ई हम अपना दुख लेके यहाँ आते हैं, बिहाने 4 बजे भोर से घर से, 4 बजे भोर से घर से निकले हैं, बे खैले पियले। हाँ। आ यहाँ बैठल बैठल अभी जा रहे, मुँह में अनाज का फट्टी नहीं डाले हैं। इंतजार है कि बस छूट जाएगा तो हम रात भर रह जाएंगे, हमारा कोई साधन नहीं मिलेगा। हाँ। अभी ये मेरा तकले मेरा कोई अन्याय नहीं मिला, हम यही हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मेरा सर मेरी बेटी का अन्याय दिया दे, मेरी बेटी के क्लियर करा दे, और कुछ नहीं होगा। ना सर का कलम में दम है, ना सर का कानून में दम है। नहीं तो आज का लड़का एक लड़की को क्लियर नहीं किया, दूसर औरत लिया के घर में रखा है, किलोमीटर पर उकर घर है उसका, जामल 6 महीना के लड़का हो गया। हमारा पास पैसा नहीं है, मेरा पास पावर नहीं है, कोई संजोग नहीं है, तब ना हम बूढ़ी औरत घूम रहे हैं। आज मेरा पास उतना रहता तो हम भी नहीं घूमते। हमको बस यही है कि मेरी बेटी का न्याय दिया दे सर, हमको और कुछ नहीं चाहिए। उसको 12 साल का एगो बेटा है। आप लोग उस लड़की से बात नहीं की जिससे आप अपनी बेटी के हाथ बात हराए थे? उससे सब कुछ कर लिए हैं। हाँ सब हुआ। वो सीधे कह रहा है कि ऐसे ही लड़ते रहो घूमते रहो, मर जाएगी, मेरा सारा कहानी खत्म हो जाएगा। हाँ। तुम्हारे सामने शादी करके लेके आए हैं, रख रहे हैं, तुम्हारा थाना पुलिस क्या कर रहा? हाँ। मेरा कुछ नहीं करेगा, यही मेरा दुख है। हम यही नंबर वाला लड़की के, लड़की के रीता देवी नाम है। कहाँ शादी बिल्वा? बेलही गांव है, वही में के टोला मती टोला है। क्या नाम उसके पति का? उसके प्रदुमन जादो, बाप के फुलेना जादो। हाँ, बाप के फुलेना जादो। हाँ, लड़का के प्रदुमन जादो। जी।
तो एसपी साहब के पास आप मतलब सात आवेदन दिए हैं, सात आवेदन। एसपी साहब कुछ नहीं बोले हैं? नहीं, पेपर आए हैं, देत गए हैं सर, लेत गए हैं, देत गए हैं, लेत गए। छठा बेर आए तो हाथ जोड़ के बोले कि सर हमको अन्याय दिवाइए, हमारा लड़ने का ताकत नहीं है, खाने का नहीं है, तो हम लड़ेंगे कहाँ से। फिर आज हम लेके आए तो सर नहीं मिले हैं, बस। आज जितना हम आवेदन दिए हैं उस सब कहीं ना कहीं झूठा आरोप तो नहीं लगा रहे हैं? नहीं नहीं, एसपी साहब पे, एसपी साहब तो जरूर एक्शन लेंगे। नहीं, हम दिए हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। हम सारा पेपर रखे हैं, फोटो कॉपी करा कर रखे हैं, वकील से लिखा लिखा के फोटो कॉपी करा कर रखे। तो ये बेटी के लिए एक माँ लड़ रही है? माने हम माँ है बेटी के, उसका 12 साल का बेटा है, बेटा दूसरे का दुआरी पला रहा, दूसरा का झूठ काट खा के जी रहा, बेटी घर घर के झाड़ू पोछा करके खा रही है। हम एगो बूढ़ी औरत गोपालगंज से विजयपुर थाना से दौड़ रहे, मेरा कोई हेल्प नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। कटिया थाना में जाते हैं तो वहाँ का बड़ा बाबू है, प्रभारी है, हमसे घूस मांगते हैं कि घूस दो तो तुम्हारा हम काम करेंगे। हम कहाँ से घूस देंगे, मेरे पास के है कमाने वाला कि हम घूस देंगे। वहाँ भी जाते हैं तो यही बात होता है कि पैसा है तो काम होगा। एसपी साहब आए हैं तब से कहीं पे भी घुसखोरी सब बंद हो गया है, समझिए। अभी 6 महीने के बात कर रहे बाबू, 6 महीने के बात कर रहे हैं, खुरहुरिया के वो। आप एसपी साहब से कहे हैं कि कोई घूस मांगता है? एसपी साहब को पता चल गया, एसपी साहब को अगर पता चल गया कि हमारे सर में लिखे हैं, सर के सामने बोले हैं कि कटिया थाना गए थे तो वहाँ के नाम भी लिख के दिए हैं कि ये आदमी हमसे मांगा है। हम क्लियर खड़ा होकर बोले हैं कि जो आया था वहाँ से लेटर मांगने गए कि सर वहाँ से जो मेरा लेटर आया है दीजिए, तो कहे कि पैसा दो तब ना, पैसा नहीं देगी तो तुम्हारा कोई लेटर यहाँ नहीं है। वो भी हम पेपर में लिखवा के सर को दिए हैं। हम ये चाहिए, एक लड़की की माँ है, हमारा में गलती यही है कि हम लड़की जन्माए हैं, शादी किए हैं, मेरा संग पाप हो गया है, ये पाप के सर उग्रे कर दे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। वो जहाँ भी है उसको धा पकड़ करके मेरा क्लियर करा दे, और नहीं पकड़ाता है तो उसका घर है कुड़की जब्ती करके उसको पकड़े, हमारा बेटी के क्लियर करा दे सर। राहुल सचिन नाम का पड़ी? हमारे शांति देवी पर, शांति देवी नाम। हाँ, मेरा पति के रमान जादव घर अपन पूरा। हमारा एड्रेस है रुदलपुरा, हमने का थाना पड़ता है विजयपुर थाना, और घर है हम लोग का मझवलिया बाजार के लगे उदयपुरा बा हाई स्कूल देख रहे हैं, उसी के पीछे मेरा घर है। अच्छा, तो कटिया थाना में क्या करने जाते? विजयपुर थाना, कटिया थाना उसका है। अच्छा, उस लड़के का? हाँ, लड़का के है तो पेपर आता है वहाँ से उसी का थाना में। हाँ। वहाँ एगो उसका फुआ का लड़का है। हाँ। उसका दिलीप नाम है, चकदार है। हाँ। वो पेपर वही जैसे घूम कर देता है। अच्छा, यही है। चलिए, जो एसपी साहब अगर इन आंसू पोछने का काम करे कि दिमाग रोए नहीं, हमको और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए कि एक बेटी की माँ है, 12 साल का बच्चा है, वो बच्चा के अन्याय मिल जाए कि वो अपनी माँ के साथ रहे, अब माँ बेटा के साथ रहे, आज है मैं कल नहीं रहेंगे, और कुछ ना। ये माँ चाहती है कि हमारी बेटी का जहाँ शादी हुआ है वो हमारी बेटी खुशहाल रहे, अपने घर पे जाए और खुशहाल रहे। नहीं जाएगा बाबू, गोरखपुर से मलाहिन लाया है, वो मलाहिन छोड़ल कहीं के औरत है, उसके साथ भी 12 साल की वो बेटी है, और इसका जामल 6 महीना के वो लड़का हुआ है, तो वो रखेगा कैसे? वो रखेगा कैसे? वो तो तकिया से मुंह दाब के मुंह आ दे लेता, बाकी भाग भरोसे मेरी बेटी बच गई तो हम लोग उठा के ले गए, इलाज उलाज कराए। अच्छा, एसपी साहब से का निहोरा करो, जाते जाते एसपी साहब से का निहोरा? हाँ, मैं निहोरा करेंगे कि मेरी बेटी के क्लियर करा दीजिए, वो जहाँ भी है जहन्नुम में है उसको पकड़ के लाइए, मेरा जो बेटी का होता है दिया दीजिए, मेरी बेटी अलग हो जाएगी, अपन बनियारी करके खाएगी, अब उसके साथ मेरी बेटी का गुजारा है, अब नहीं होगा, यही हमारा और कुछ नहीं है। हमारा पास पैसा भी नहीं है जो उसका साथ है, हम केस लड़ेंगे या चाहे उससे हम झगड़ा करेंगे। हम इतना दिन बैठल थे जो मेरी बेटी को ले जाएगा, जब वो औरत लिया के रख लिया तो मेरी बेटी को ले जाएगा का? वो ले जाएगा तो जिंदा छोड़ेगा बेटी को हमारी? नहीं छोड़ेगा। तो हमारा यही है कि वो नहीं पकड़ा रहा है तो ओकर बाप है, भाई है, भाई के नाम है ओम प्रकाश यादव, घर पकड़िए, घर कुट की जब्ती करिए, वो कहीं रहेगा तो आएगा ना, आएगा, वो मेरा इंसाफ कर दे। हमको बस यही हाथ जोड़ के 10 और 9 जोड़ के हम कहते हैं कि हम बेटी जन्मा के कोनो गलत नहीं किए हैं, मेरे साथ जो हो रहा बहुत दुख हो रहा है, ये बरा ले बेभूख ले प्यास ले है। तो इस माँ को न्याय मिले, और एक बेटी जो इन्होंने अपनी जो बेटी की शादी की है, कहीं ना कहीं अब वो इनके घर रह रही है, कहीं चौकी बर्तन करके अब कैसे भी गुजारा, उनका पति छोड़ चुका है, और ये बेटी के न्याय के लिए एसपी के पास आई थी। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस माँ को न्याय मिले। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।